नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं कनिका और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। महोबा में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन, विधायक की मौजूदगी में डीएम ने गरीबों को बांटे कंबल, कंबल पाकर गरीबों के खिल उठे चेहरे। गाजीपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, सपा नेता ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। सिद्धार्थनगर में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन, बसपा नेता ने बांटे कंबल। कुशामी में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का आंदोलन, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर आत्मदाह की कोशिश, पुलिस विभाग में बचा हड़कंप। हसनपुर में खेतों में बनाए शौचालय, पीएम मोदी का सपना कैसे होगा साकार। सिद्धार्थनगर में पशुओं का आतंक, किसान परेशान, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग। जबलपुर में स्वर्णों को मिले आरक्षण पर जश्न, पीएम मोदी का जताया आभार। शहबाद में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान, कैंप लगाकर बच्चों को लगाए गए टीके। शहबाद में बाइक सवार लोगों को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत, हादसे में दो गंभीर रूप से घायल। राजाखेड़ा में उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा निःशुल्क गैस कनेक्शन, महिलाएं ले रही जमकर लाभ। इंदौर में टूटी पुलिया से नाराज ग्रामीण, लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश किया व्यक्त। पीलीभीत में 5 लोगों की मौत, संदिग्ध हालत में हुई मौत, घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। पीलीभीत में बाइक सवारों की मौत पर हंगामा, परिजन लगा रहे गोली मारकर हत्या करने का आरोप। इंदौर में चलती रोडवेज बस से टायर में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, एक बड़ा हादसा होने से टला। तो फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन।